तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। इस साल की वन ऑफ द मोस्ट मच अवेटेड मूवी जिसके लिए जनता सिर्फ पागल ही नहीं बेकरार है। तो पहले तो मैं इसका नाम बता दूं आप लोगों को, शाहरुख खान के करियर की वन ऑफ द बिगेस्ट मूवी जवान। और बड़ी बात तो यह है कि मूवी जब आएगी तब आएगी, एवरीवन नोज, बस टीजर ही देखने को मिल जाए पब्लिक उसी में धन्य हो जाएगी। जी दोस्तों, ये डेट भी ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी है, कब वो आगे वीडियो में आपको पता लग ही जाएगा। साथ ही इस मूवी ने कितने बजट खर्चा है, बजट की रिकवरी रिलीज होने से पहले ही हो चुकी है या नहीं, कास्ट कैसी है, मूवी कितना कमाई कर सकती है, पहले दिन कितना कमाएगी, सब जानेंगे बस कुछ ही देर में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना अगर आप भी SRK के डाई हार्ट फैन हैं और जवान मूवी का काफी लंबे समय से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे तब। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। बता दूं तो जवान फिल्म जिसे अटली कुमार के डायरेक्शन में बनाया जा रहा है, जो पहले भी थालापति विजय के साथ एक्शन थ्रिलर में ब्लॉकबस्टर मूवी दे चुके हैं लाइक थेरी, मर्सेल, और अब SRK के साथ ये हिंदी सिनेमा में डेब्यूट कर रहे हैं। दोस्तों अगर आपने थेरी और मर्सेल जैसी फिल्म देख रखी है तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि जवान का क्या हाइप रहने वाला है एक्शन के मामले में, और स्टोरी में, कंटेंट में तो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते साउथ डायरेक्टर्स। जी दोस्तों, काफी लंबे समय से चर्चे में ये फिल्म फैंस के सबर का बांध तो तोड़ रही थी। किस लिए? क्योंकि लोग बेसबर हैं टीजर के लिए, और उसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गया है 7 सितंबर पहला टीजर रिलीज हो जाना है। देखो, आफ्टर पठान SRK ने लगा दिया है जनता के मुंह में एक्शन का खून, जो वो सीधा होप कर रहे हैं अगेन उससे भी बढ़कर वाला एक्शन जवान मूवी के साथ। इसलिए लोग टीजर के लिए बेसबर हैं पहले तो, और दूसरा मूवी के लिए तो हैं ही। बात करें मूवी बजट और इसके रिकवरी की, कितनी कमाई कर सकती है, पहले दिन कैसी ओपनिंग रहेगी, तो दोस्तों बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। यहाँ दोस्तों मूवी को बनने में लगभग 220 करोड़ रुपए खर्चे गए हैं, और खबर ये भी मिल रही है कि 30 करोड़ सिर्फ प्रमोशन में और खर्च होने वाले हैं। दोस्तों 250 करोड़ के टोटल बजट में बनने वाली जवान अपने बजट की रिकवरी तो पहले ही कर चुकी है। यहाँ दोस्तों लगभग 270 करोड़ का रिकवरी ये कर चुके हैं, मतलब 20 करोड़ का सीधा प्रॉफिट ये निकाल चुके हैं। कैसे? सैटेलाइट राइट बेच के, म्यूजिकल राइट और थिएटिकल राइट बेचकर निकाल चुके हैं। लेकिन अभी भी OTT राइट बेचना अभी बाकी है इन लोगों को। दोस्तों इसने तो अपनी कमाई कर ली है, बाकी अब बात करते हैं पहले दिन कितना कमा सकती है मूवी। तो यस, सिर्फ इंडिया से 100 करोड़ का बिजनेस कर सकती है मूवी, और इसमें सबसे बड़ा शेयर होने वाला है तेलुगु और हिंदी बैट से, क्योंकि साउथ में ज्यादा प्रमोशन चल रहा है मूवी का। बाकी पूरी दुनिया से मे बी आंकड़ा 140 करोड़ के ऊपर चला जाएगा, जैसे हमने पठान के टाइम भी देखा था लगभग 40 करोड़ का आंकड़ा सिर्फ ओवरसीज से आया था। वो इसलिए भी क्योंकि SRK की पकड़ इंटरनेशनली भी काफी दमदार है। अब बात करते हैं टोटल लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों डाउट मूवी को 1000 करोड़ का बिजनेस करने से किसी का बाप नहीं रोक पाएगा, और हु नोज ये फिल्म कितने रिकॉर्ड तोड़ सकती है वो तो बाद में पता लग ही जाएगा। दोस्तों कास्ट भी अमेजिंग है, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा थालापति विजय का कैमियो भी आपको देखने को मिल सकता है, जो कि पठान और टाइगर जैसा ह्यूज मोमेंट देकर हल्ला काट देगा थिएटर में। जी दोस्तों, SRK आपको मेन लीड में दिखेंगे, जिनका भरपूर साथ नयनतारा जी ने दे रखा है। सपोर्टिंग में आपको विजय सेतुपति, प्रियमणि जैसे दिग्गज स्टार भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी, आपको क्या लगता है जवान 1000 करोड़ का बिजनेस कर पाएगी या नहीं? दूसरा, मूवी हिट जाएगी या फ्लॉप? फटाफट अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए, और बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ फिल्मों के अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा, अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।